दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुर्ती या ब्लाउज पे अलग से कॉलर कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे आप डीप नेक पहनते हैं ब्लाउज या कुर्ती का, तो आप ये अलग से कॉलर बना सकते हैं, जो कि आप साड़ी पहनते हैं तब भी इसको यूज कर सकते हैं, ड्रेस पहनते हैं तब भी यूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर बनने वाला है, तो ये पूरा वीडियो जरूर देखें। तो देखिए, एक मैंने इस तरह का एक बटन लिया है, और देखिए मैंने ये क्लॉथ लिया है, और इसमें मैंने देखिए ये स्टोन वाली चेन ली है और डोरी ली है। इसको क्या है, आप किसी भी साइज के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने क्लॉथ लिया है वो आपको बता देती हूँ, कितना मैंने चौड़ा पीस लिया है। देखिए इसकी चौड़ाई जो है 6.5 इंच के आसपास है, और इसकी लंबाई 13.5 इंच है, लेकिन ये तैयार में हमारा 12.5 इंच के आसपास बनेगा, क्योंकि हाफ हाफ इंच दोनों साइड में स्टिचिंग में चला जाएगा, और इसमें पीछे हमारी डोरी आ जाएंगी, जिससे कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी साइज के लिए। तो आप चाहें तो कपड़े की डोरी बना सकते हैं, और चाहें आप रेडीमेड डोरी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये रेडीमेड डोरी लिए, तो इसके मैं 4 पीस कर लूँगी। तो देखिए ये दो दो पीस जो हमने लिए हैं, तो ये हमारे इस तरह से दोनों साइड में आएंगे, और इस साइड में दो आएंगे, तो इस तरह के पीस आएंगे। और देखिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है, तो हम साइज इसी के बराबर ले लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टिच करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके हम 3 पीस करेंगे, क्योंकि हम इसमें लाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे इसको, और इसके ऊपर हम यहाँ पे ये जो बुकरम ली है इसको इस तरह से लगा देंगे। तो क्या करेंगे, और साथ में हम इसके डोरी भी यहाँ पे अटैच कर देंगे, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे। तो जब स्टिच करेंगे तो वन साइड तो हम इसके अंदर से ले लेंगे, और वन साइड के लिए हमको ये खोलना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हम डोरी यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ से जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच कर लेंगे, और इस पार्ट को हम ओपन रखेंगे जिससे कि हम इसको पलट सकें। पलटने के बाद फिर इसकी फिनिशिंग देके ये डोरी लगाएंगे, और फिर इसमें चेन लगाएंगे, और ये बटन लगाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर दिया है, और इस साइड में मैंने 2 डोरी लगा दी है, और अभी हम इसको पलटते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पलटेंगे इसको, और यहाँ से आप डोरी पकड़ लेंगे तो और भी आसान रहेगा पलटना, क्योंकि ये बुकरम है थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो आप आराम आराम से इसको पलट लें। तो देखिए सुई की सहायता से इस तरह से हम इसको निकालते जाएंगे, और बाद में इसको डोरी को हल्के हाथ से खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो डोरी भी निकल के आ सकती है, तो इसी तरह से हम इसको निकाल देते हैं। तो देखिए हमारी इस तरह से ये पलट गया है, और अभी हम इस तरह भी फिनिशिंग देनी है, तो इसके लिए आप क्या करें, इस तरह से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद जो डोरी है इसके अंदर से ही हम डोरियों को डाल देंगे, इस तरह से इसको सेट कर देंगे, और यहाँ पे फिर अभी हम चारों तरफ से इसको स्टिच कर देते हैं, जिससे क्या है इसकी फिनिशिंग भी हो जाएगी और ये सेट भी हो जाएगा। डोरियों को दोनों कोने पे सेट करें, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, जैसे हमने दूसरी साइड में किए सेम उसी तरह से। तो देखिए ये हमने पूरा फिनिशिंग के साथ तैयार कर दिया है। जैसे मैंने ये स्टोन चेन ली थी, या तो आप इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं, और या फिर आप इसको हैंड से भी स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लेके हम इसको चारों तरफ से इसको स्टिच कर देंगे, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक। स्टिच होने के बाद जो हमने ये बटन लिया है इसको यहाँ पर हम सेंटर में इसको भी फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको चिपका देंगे, और दोनों साइड हमारी ये चेन आ जाएगी। उसके बाद जो हमारी ये डोरी है इसमें आप कोई भी कलर के लटकन लगा सकते हैं, या तो सेम कलर के बना सकते हैं, या फिर रेडीमेड भी लगा सकते हैं। तो ये मैं पूरा भी इसको चिपका देती हूँ।
तो देखिए मैंने ये हाथ से पूरा लेस लगा दिया है स्टोन वाला, और देखिए जो हमारे पास ये पैच था ये भी हमने लगा दिया है, और एक हमने यहाँ पे लटकन लगा दिया है, और जो हमारी ये डोरी थी यहाँ पे मैंने इस तरह से कपड़े की टसन लगा दी है, दोनों डोरी में एक ही टसन लगाया है जिससे कि यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे कॉलर का। तो अब ये कॉलर आप साड़ी या ड्रेस किसी पे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज में बेल्ट कैसे बनाएं, जो कि हम साड़ी पहनते हैं उसके ऊपर जो बेल्ट लगाते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। और ये वीडियो मैं सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। ये मैंने एक बॉर्डर लिया है और आपको इसकी लेंथ, आपको जो बेल्ट बनानी है वो आपको कमर का साइज लेना है। ये बेल्ट जो है हम आगे की साइड में लेते हैं, तो वन साइड हमारी फिटिंग रहती है वहाँ इसको अटैच करते हैं, और दूसरी साइड में हम यहाँ पे हुक्स लगाते हैं। तो आज उसकी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए ये 21 है लेकिन हमारी कमर जो है 32 इंच है, तो हम उसी हिसाब से इसको लेते हैं। और यहाँ पे मार्जिन भी रखेंगे क्योंकि आप इसी को फोल्ड करके वन साइड में हुक्स लगा के वन साइड हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो उतना हम साइज ले लेते हैं। तो देखिए मैंने ये 18 इंच में ले लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देते हैं। आप कोई भी साड़ी का बॉर्डर या कोई भी डिजाइनर क्लॉथ है उसे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह का हमारा पीस हो गया। अब जितना चौड़ा आपका बॉर्डर है, अगर आप उसको कम चौड़ा रखना चाहते हैं तो सिलाई डाल के कम चौड़ा कर दें। मैं इसको पूरा रखूंगी, जो ये मार्जिन है हमारा ये सिलाई में चला जाएगा, और जो ये डिजाइन है ये हमारा सेपरेट रहेगा। तो देखिए जब हमारी डिजाइन तैयार रहेगी तो ये 2.5 इंच के आसपास की इसकी चौड़ाई रहेगी। और इसी से मैंने एक लाइनिंग का पीस कट कर लिया है, और हम देखिए इस तरह से स्टिचिंग करेंगे इसको, नीचे लाइनिंग रख लेंगे और इसको यहाँ पे इसको उल्टा रख लेंगे। तो वन साइड क्या है, हम पूरा एक साइड से आप इसको स्टिचिंग स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, पूरा इस तरह से लेते हुए यहाँ तक स्टिच कर देंगे। यहाँ पे इसको ओपन रखेंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर यहाँ पे हम हुक बना देंगे वन साइड में, और वन साइड में काज बन जाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने एक साइड से इस तरह से स्टार्ट किया है और पूरा दूसरी साइड पर आके स्टॉप कर दिया, और अभी हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए मैंने पलट दिया है, तो देखिए इस साइड हमारा क्लोज है और इस साइड ओपन है। तो अब क्या करें, एक साइड में आपको यहाँ पे जो ब्लाउज में हमको स्टिच करना है वो हो जाएगा, और एक साइड में हम हुक लगा लेंगे। तो आप देखिए या तो प्रेस कर लें या फिर किनारे पे सिलाई डाल लें। तो मैं इस पर आयरन कर लूँगी, और देखिए फिर ये इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए वन साइड तो हमारा, जैसे कि ये डिजाइन हमारी इस तरह की क्या रही है, जो डिजाइन है हमारी इस तरह से है। तो इस साइड में आपका जो लेफ्ट साइड में है इधर आपका हुक्स आएगा। तो आप क्या करें, जैसे कि हमारी डिजाइन इधर आ रही है तो हम यहीं पे इसको इस तरह से फोल्ड करके देखिए इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे, और फिनिशिंग देके यहाँ पे हम हुक्स लगा देंगे, और जो हमारा ये इस साइड का पीस रहेगा इसमें हम काज बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड से अटैच कर देंगे और दूसरी साइड आप इसमें हुक्स लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से इसका लुक दिखेगा जब तैयार हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देते हैं, देखिए ये इस तरह से दिखेगा। तो आप जब साड़ी पहनेंगे तो इसके अंदर से आपको साड़ी निकालनी है, और साड़ी के ऊपर से आपको ये बेल्ट यहाँ पे अटैच कर देनी है, जो हुक और काज के साथ यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो इसका लुक देखिए इस तरह से दिखेगा। तो देखिए जो हमने ये बेल्ट तैयार की है, आप किसी भी ब्लाउज पे इसको यूज कर सकते हैं एक तो, या फिर आपका जो मैचिंग साड़ी का ब्लाउज है उसमें आप ले। तो देखिए हमने जैसे इस तरह से ये बना लिया है, तो क्या करेंगे, वन साइड हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे अपनी कमर के साइज के अनुसार। इस तरह से स्टिच हो जाने के बाद यहाँ से हमारा पल्लू आ जाएगा अंदर, और पल्लू आ जाने के बाद फिर हम यहाँ पर इस साइड में हुक्स लगा देंगे, और इस साइड में हम काज बना देंगे। तो जब हुक और काज लग जाएंगे तो देखिए ये इस तरह से दिखेगा, पल्लू आपका अंदर से आ जाएगा, ये बेल्ट आपकी साड़ी के ऊपर से दिखेगी। तो आप इस आसान तरीके से ये बेल्ट बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।